हेलो जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस टॉक विद कन्नू। देखो, इस चैनल का नाम अपने चेंज किया है। पहले था इसका नाम स्टडी ऑन मन शिक्षा हब, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया अपने, नाम रख दिया सक्सेस टॉक विद कन्नू। अब यहाँ पे देखिएगा, आपा बात करेंगे HSSC ग्रुप डी की एग्जाम डेट की, सबसे पहली बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले सिलेबस जो है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस में कन्फ्यूज़न है क्या आएगा, किस टाइप से आएगा। अब साइंस इन्होंने 15 नंबर की दे दी, इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी, इसमें क्या कुछ आ सकता है। ठीक है, तो साइंस एक बहुत बड़ा पोर्शन, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो साइंस के हुआ करते थे, लेकिन अभी जो नंबर है ना वो इन्होंने डबल कर दिए। ठीक है, अब GK की वेटेज है, इंडिया GK सिर्फ 15 मार्क्स की आ रही है। इंडिया GK बहुत बढ़िया, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद में अपनी क्या बोलते हैं पॉलिटी होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी इसमें भी क्या पढ़ सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो अपना कब तक हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी जो नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले आप बात करते हैं बच्चे जनरल अवेयरनेस की। किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपने देख ही रखा है कि कितने मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 15 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है ये करंट अफेयर भी इंक्लूड करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको कम से कम इस 15 नंबर में 5 जो है वो करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। इसमें 2 लगभग हरियाणा से मिलते जुलते और 3 जो है वो इंडिया से मिलते जुलते जो करंट अफेयर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% एक्यूरेट बात है कि इसमें से कम करंट अफेयर, क्योंकि जनरल अवेयरनेस लिखा उन्होंने, जनरल नॉलेज नहीं लिखा, क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना के साथ हमारी कौन सी संधि हुई है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से इंग्लैंड के साथ कौन सी संधि हुई है, अमेरिका के साथ कौन सी संधि हुई, इस टाइप से। स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, तो ये वही तीनों है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह का या इस टाइप का कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया है, यानी कि इकोनॉमिक्स आएगी या इन्वायरमेंट आएगी, इस टाइप का कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। इन्होंने सीधा का सीधा जो सिलेबस डाल रखा है वो डाल रखा है जी फिजिक्स, अपनी ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी, और क्या डाल रखा है इन्होंने, हिस्ट्री। क्लियर है, ये चीज़ें जो है तीनों के तीनों आपने पढ़नी है। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अलग से वीडियो आप बना के आपको बता देंगे कि कौन से टॉपिक आपसे आपने पढ़ने और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं जनरल साइंस की, और आप दोबारा से भी इसकी क्लासेज जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जितना हो सके बच्चे लाइव आपने इस चीज़ को देखना है, और इसकी शॉर्ट डालकर, एक शॉर्ट वीडियो डालकर आपको टाइम टेबल जो है वो इसका बता देंगे। साइंस जो है वो आपने बहुत अच्छे से करवाई है, पीछे भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसमें भी आपने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, और क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम में भी। तो ये देखो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पोर्शन आपको ना बायोलॉजी वाले पोर्शन में साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट का जो है वो मिल सकता है, जैसे कि चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो करंट का डाटा है वो आपको साइंस में इंक्लूड करके दे देगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स, यानी कि ये टोटल मिला के जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस मिला के ये दोनों के दोनों पार्ट आपके 30 मार्क्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसी टाइप से चलते हैं हम लोग रीजनिंग पे, तो रीजनिंग का पोर्शन 10 मार्क्स का है। देखो सब्जेक्ट, मतलब कि इसमें अगर आप देखो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, यानी सीरीज आपने करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत इजी, मतलब ये है, ठीक है, इजी चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, डायरेक्शन कर लेना, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग कर लेना, ब्लड रिलेशन कर लेना, एनालॉजी कर लेना, क्लासिफिकेशन कर लेना, क्लॉक कर लेना, कैलेंडर कर लेना, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। सिलोलिज्म जो चैप्टर है ना, ये बहुत एक तरीके से लगा लो कि मुश्किल चैप्टर है, मतलब जो जिसने रीजनिंग सारी कर रखी है देखो उसके लिए तो है सब कुछ इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो सिलोलिज्म हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इंसर्टिंग एंड मिसिंग करेक्टर हो गया,
इन सब चीजों को छोड़ सकता है, क्योंकि देखो ये फिगर वाले जो क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग फिगर वाले है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि एक ट्रेंगल है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे इनका बेस अगर आपस से हम बताते हैं और बोलते हैं कि इसमें ट्रेंगल्स जो है वो कितनी है, तो देखो इसका जितनी बेस में लाइन है, तीन लाइन है, तो उसका स्क्वेयर कर दो तो आपके पास। ये इसी वजह से ट्रिकी वे में अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इजी चीजें ही पूछी जाएंगी, ज्यादा टफ चीजें वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर कर सकते हो आप। तो यहां तक चैप्टर मैंने बताए वाटर इमेज तक, और उसके बाद में काउंटिंग फिगर का जो चैप्टर बताया मैंने, वो चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है अपना इंग्लिश लैंग्वेज। एक सेकंड, पीछे और भी कुछ रह गया मेरे ख्याल से। हाँ, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। मैथ जो है वो साइंस के बराबर है। क्या बात है, मेरा दिल खुश हो गया, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट साइंस है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 15% वेटेज है इसकी। टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आपने करना ही करना है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन भी करनी है, क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम एचसीएफ भी करना है, रेशन प्रिपरेशन। देखो मैथ अगर करना है ना तो लगभग ऑलमोस्ट करना पड़ेगा ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये जो पोर्शन है ना, ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। इसे आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जिसको मैथ नहीं आता, जिसको मैथ नहीं आता वो ये पोर्शन छोड़ सकता है, लेकिन अगर जिसको अच्छे लगता है तो वो कर लेगा, क्योंकि 15 मार्क्स है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेके चल रहे हो उस चीज़ के लिए। उसके बाद में, क्योंकि मैथ में आपा कुछ नहीं बोल सकते, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या बता रखी है, बस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज अपना इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी आएगी 10 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज कितने नंबर की आएगी? 10%। इंग्लिश ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सारी की सारी करनी है आपने, ग्रामर करनी ही करनी है। ठीक है, जिसमें ग्रामर में आपको जैसे कि स्पॉट द एरर, जैसे कि कोई भी नरेशन में एरर दे देगा, टेंस में एरर दे देगा, आर्टिकल में एरर दे देगा, यानी कि एक ही जगह एन लिख के दे देगा, बताओ क्या करेक्ट करना है, इस टाइप से। ठीक है, एक्टिव सारी की सारी ग्रामर ही डाल रखी है, कुछ भी देखने की जरूरत इसमें नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इसने आपको वोकैब का पोर्शन जो है वो नहीं लिख के दिया यहाँ पे। अगर आती है तो इनकी मिस्टेक होगी, क्योंकि सारी की सारी जो है ना बच्चे, हाँ लिख के दे रखी है भाई साहब, सिनोनियम एंटोनियम्स स्पेलिंग, हाँ लिख के दे रखी है, इडियम एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ट वर्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, तो सारी लिख के दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो कैब भी करनी पड़ेगी, वो कैब भी करनी पड़ेगी। सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, टारगेट बना लो कि 20 वर्ड्स डेली के करने ही करने। टारगेट ये बना के रखी है कि 20 वर्ड्स जो है वो डेली के डेली करने ही करने हैं, वो कैब के 20 वर्ड्स हैं। जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप कर रहे हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपने किया, ठीक है, तो आप मान लो कि आपने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, 5 इडियम एंड फ्रेजेस किए आपने, 10 वर्ड्स आपने किए, 10 वर्ड्स के आपने एंटोनियम भी देख लिए और सिनोनियम भी देख लिए, यानी कि 20 वर्ड्स आपके लगभग 30 मिनट्स में हो जाते हैं। तो 30 मिनट्स आप वोकैब का रखिए, इससे आपका क्या होगा, आपका ग्रामर का पोर्शन भी जो है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि कुछ फिक्स वोकैब्स होती हैं जिनके साथ में ना फिक्स वर्ब आती है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशंस आती है, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। 10 मार्क्स की जो है ये इंग्लिश आएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो सारी की सारी ग्रामर, वर्ण, स्वर, व्यंजन, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तत्व, पीछे के जो पेपर है उसमें हिंदी को एनालाइज करके जाइएगा क्या आता है। कारक का टॉपिक बहुत आता है, कारक का टॉपिक बहुत आता है, ये रियलिटी है, ठीक है, बहुत बार पेपर में देखने को मिला, कारक हो गया, तत्सम तत्भव हो गए, ठीक है, और उसी तरीके से। वैसे हिंदी ना इतनी मुश्किल नहीं आती, आसान आती है हिंदी, हिंदी जो है वो आसान आती है, 10 मार्क्स में आप इजीली क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो सोटा। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, यानी 25% वेटेज जो है ये तो आपने रट रखी होगी, और जिसने ये नहीं कर रखी उसका पेपर क्लियर नहीं होगा, और ये आपने रट रखी होगी। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको ये सब्जेक्ट जैसे 25 नंबर की हरियाणा जीके और 15 नंबर की इंडिया जीके और 15 नंबर की ये क्या बोलते हैं साइंस और 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, हिंदी इंग्लिश और उसके बाद में रीजनिंग,
मैथ, और ये क्या है हरियाणा जीके अपनी, और ये 15 नंबर अपने किसके हैं इंडिया जीके के हैं, और ये अपने साइंस के हैं। हरियाणा जीके आपको 100% करनी पड़ेगी, 100%। इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इंडिया जीके में 15/15 नंबर आप नहीं ले सकते। साइंस में आप कम से कम 10-12 नंबर स्कोर कर सकते हो, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, हम आपको करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, मैथ की अगर आप बात करें तो भाई मैथ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एक बार कर लिया ना तो उसके बाद आपके मार्क्स कटने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये इंग्लिश करनी पड़ेगी और हिंदी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश छोड़ते हो तो आपको मैथ आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी आप करोगे ही करोगे, यानी इसमें आप 25 नंबर की क्या बोलते हैं हरियाणा जी के करेगो करोगे ही करोगे। उसके बाद में आप 15 नंबर की ये पोर्शन जो आपका, ठीक है, इंडिया जीके वाला, ये आप नहीं छोड़ सकते, और साइंस का 15 नंबर का पोर्शन आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में मैथ का जो 15 नंबर का पोर्शन है वो आप मत छोड़ना, रीजनिंग के कुछ एक चैप्टर है जो है वो मत छोड़ना। तो आपके अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे ना कि मैंने क्या क्या करना है, तो आपके कम से कम 80 या 85 मार्क्स जो है आराम से बन जाएंगे। आप 90 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे भी, मेरे को ना मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए, मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए, मैं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, तो आपके 80 मार्क्स जो है वो अच्छे से आ जाएंगे आपके पास में। अब टाइम कितना रहता है, यानी कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम देना है। आपके पास में टाइम कितना रहता है, आपके पास में टाइम है जी लगभग नवंबर, आप टारगेट मान के चलिए, टारगेट करके चलिए कि नवंबर में एग्जाम होगा, आप 100% टारगेट मान के चलिए। अब यहाँ पे देखो, अगस्त जो है वो चला गया, आपके पास में अगस्त के 10 डेज पड़े, और आपको आज से तैयारी लगना पड़ेगा। सितंबर है आपके पास में, अक्टूबर है, और नवंबर में एग्जाम कभी भी हो सकता है, यानी कि आपके पास में लगभग लगभग 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स के बीच का जो टाइम है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए कैसे हो सकता है पेपर क्रैक। अच्छे से आप हर चीज़ का सिलेबस नोटिस करके चैप्टर वाइज लिख लीजिए कि ये चीज़ें मैंने करनी है और इतने टाइम में करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 महीना थ्योरी पढ़ के, और सेकंड मंथ में आप क्या कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो लगानी है आपने। बाकी भाई मैं सिंपल सी बात कहूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट जो आपको मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो आपकी मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हरियाणा जीके हो। प्रैक्टिस के बिना एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट, डेली न्यू वीडियोस जो है आपको मिलेगी, हरियाणा के अलावा इंडिया का भी यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।